हमारा ड्राइव काफ़ी लंबा होने वाला है, ऑलमोस्ट 800-2000 किलोमीटर्स। और ब्रेकफास्ट इज रेडी, चाय खारी और खाखरा। XUV 500 से इसकी फ्यूल टैंक बहुत छोटी है तो पिट स्टॉप ज़्यादा लेने पड़ते हैं फ्यूल के लिए। आई ऑलवेज प्रिफर चूजिंग दिस रूट रादर देन द गुजरात हाईवे, बट अभी काफ़ी अच्छा है। ये देखो रॉक एंट्रेंट। और ये हमारा लंच है तैयार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, केम छो, मजामा। वेलकम टू दिस वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द विंटर स्पीति ड्राइव। स्पीति इन विंटर्स बहुत ही खूबसूरत, रोमांचक और खतरनाक भी हो सकता है। तो हमेशा से ये मेरी चाहत थी कि मैं मुंबई से स्पीति ड्राइव पे जाऊं, और इस बार तो मुझे ये दूसरी बार मौका मिल रहा है 2 महीनों में। तो शुरू करते हैं आज की ये जर्नी लेके प्रभु का नाम। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। का सूरज निकलने ही वाला है, अभी बजे है 7:15। मुंबई से हम निकले थे 5 बजे और अभी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट कसारा घाट। यहां से अब नासिक है और 80 किलोमीटर। और क्या व्यूज, द अर्ली मॉर्निंग व्यूज, सुबह सुबह के नज़ारे, द गोल्डन सनशाइन, द गोल्डन आर जिसे कहते हैं, क्या नज़ारे है। आज का हमारा ड्राइव काफ़ी लंबा होने वाला है, ऑलमोस्ट 800-2000 किलोमीटर्स कवर करने का है। एंड हियर इट इज, फाइनली सनराइज हो चुका है और क्या ही दिख रहा है, वाओ। एंड द फेमस कसारा घाट जस्ट बिफोर इगतपुरी एंड नासिक। एक टाइम पे तो ये घाट बहुत डेंजरस होता था, बट अभी काफी अच्छा है। ये देखो रॉक एंट्रेंट। एंड हियर वी हैव रीच्ड इगतपुरी, मुंबई के बाजू में एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन। मॉनसून में तो इसकी सुंदरता बहुत ही बढ़िया होती है, ऑल्सो फॉग हो जाता है, बहुत सारा फॉग, इसे फॉग सिटी भी कहते हैं। एक बार जरूर आना चाहिए। तो नासिक कर लिया है क्रॉस और बजे है 8:30। जल्दी ही कोई अच्छा सा चाय की टपरी ढूंढते हैं और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। सो गाइज, दिस इज अवर फर्स्ट पिट स्टॉप फॉर द डे ब्रेकफास्ट के लिए। नासिक के हम थोड़ा आगे निकल चुके हैं, फूड हब होटल पे हम लेंगे चाय। पूर्वी जा रही है लेने को चाय। ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत है, कुछ ले रहा है यहाँ का मेन्यू। सफर हमारा काफी लंबा है तो क्विक ब्रेक्स लेंगे, छोटे ब्रेक्स लेंगे और कम ब्रेक्स लेंगे। इसके बाद हमें लेना पड़ेगा और एक ब्रेक फ्यूल के लिए, वो बहुत ही क्विक होगा। और फिर हम सीधा रुकेंगे लंच के लिए। अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिलहाल यहाँ ब्रेकफास्ट में सीख लेंगे चाय, और खाने पीने का सामान तो हम बहुत कुछ लेके आए हैं घर से, तो उसी में से कुछ निकाल के फटाफट यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं।
एंड यस हवर टी इज हियर, पूर्वी ले आ चुकी है और ब्रेकफास्ट इज रेडी, चाय खारी और खाखरा, सुबह सुबह मजा आ जाएगा। तो गाइज ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है यहाँ पे फटाफट ख़त्म, तो निकलते हैं यहाँ से, करते हैं कहीं फ्यूल रिफिल और कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी टूवर्ड्स धूले। आ गया PCL का पेट्रोल पंप, फुल कर दो। ये हो गया अपना फुल टैंक, मैं गया 41 liters। XUV500 से इसकी फ्यूल टैंक बहुत छोटी है तो पिट स्टॉप ज़्यादा लेने पड़ते हैं फ्यूल के लिए, बट कोई नहीं। तो धूले यहाँ से है 120 किलोमीटर और पहुँच जाएंगे हम 2 घंटे में। आई ऑलवेज प्रिफर चूजिंग दिस रूट रादर देन द गुजरात हाईवे बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी कम होता है, सिर्फ ट्रकों का ट्रैफिक होता है। एक बात है, यहाँ पे कोई ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होटल्स या वैसी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है इस रोड पे, वहाँ पे बहुत मिल जाएगी। बट आई वुड प्रिफर दिस रोड क्योंकि ये खाली होता है, रपा रप गाड़ी भगा सकते हैं और फटाफट पहुँच जाते हैं। 2 lane हाईवे है लेकिन ट्रैफिक बहुत ही कम होता है, सिर्फ गिने चुने ट्रक्स होती है, प्राइवेट व्हीकल्स तो बहुत ही कम होते हैं, तो कोई कंजेशन नहीं होता, ट्रैफिक जाम नहीं होता, ये बेस्ट है यहाँ के लिए। आज के दिन के 300 किलोमीटर्स हो चुके हैं, सफ़र बहुत लंबा है मगर रास्ते अच्छे हैं, तो होप सो फटफट कट जाए, देखते हैं कितनी दूर जा सकते हैं। तो धूले हमने क्रॉस कर लिया है, गूगल बता रहा था 11:45 बट हम पहुंच गए 11 o'clock को ही। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन होने वाला है रतलाम। रतलाम यहाँ से बता रहा है 5:30 घंटे, करीबन 5 बजे हम पहुँचने वाले हैं, बट हो सकता है कि जल्दी पहुँच जाए क्योंकि रास्ते जो है एकदम बढ़िया है, यानी आप देख सकते हो सुपर बटर स्मूथ। 100-120 पे भी ऐसे लग रहा है कि एकदम स्लो जा रहे हैं, इतना स्मूथ रोड है, बहुत ही मज़ा, एकदम स्ट्रेस फ्री ड्राइव रहा है अभी तक का। ऑलमोस्ट 12:30 हो गए, हम मॉर्निंग 5 बजे निकले हैं, 7-8 घंटे होने आए हैं, बट इट हैज़ बीन अ रियली स्ट्रेसलेस ड्राइव और बहुत ही स्मूथ ड्राइव था अभी तक का। 4 घंटे नॉन स्टॉप चला के आ रहा हूँ, सुबह से कम 7-8 घंटे हो गए, बट अभी टाइम था एक स्ट्रेचिंग ब्रेक का, तो सोचा लंच भी क्यों ना कर ले यहीं पर, एक अच्छी जगह देख के साइड में रुका के अब करेंगे लंच और थोड़ा स्ट्रेच। ऐसे टायर्डनेस तो बिल्कुल नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी थोड़ा रुक के। और क्या गजब दिख रही है अपनी द स्कॉर्पियन किंग, ये है ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो M जिसे कन्वर्ट किया है हमने एक कैंपर वैन में, और ये हमारा लंच है तैयार। आज का हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट भी गुजराती स्टाइल था और अभी का लंच भी है भाखरी गुजराती स्टाइल। मसाला दही, मिर्ची,
अच्छा तो लंच का कार्यक्रम अपना हो गया है ख़त्म। गार्बेज इकट्ठा करेंगे, प्लेट्स वॉश कर देंगे, फटाफट वाइंड अप करेंगे और चलते हैं आगे। Let's continue the ride. कितना खूबसूरत ड्राइव है, बाहर कड़कती धूप है, दोनों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान और एक गाड़ी नहीं। इतना खूबसूरत ड्राइव है, इतनी मजा आ रही है यहाँ पे। दिस वुड बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट रोड्स आई हैव ड्रिवन ऑन, बेस्ट हाईवेज आई वुड से। कितना खूबसूरत यार, ये देखो तो। अभी तक का वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड। सो लेट्स ग्रो द इंडियन ओवरलैंडिंग कम्युनिटी। रतलाम पहुंचने का तो वो रतलाम अभी जस्ट हमने क्रॉस किया है। अब आ रही है थोड़ी सुस्ती, तो रुक के कहीं पे गर्मा गर्म चाय या कॉफी पीते हैं। उर्वी तेरी टोपी पहुंच गए हम माँ सागर रेस्टोरेंट। यहाँ पे पीते हैं कुछ गर्मा गर्म चाय या कॉफी, थोड़ा स्ट्रेच भी होते हैं, कांच भी साफ करना पड़ेगा। चलो उतरते हैं। पूर्वी चाय कॉफी और ये आ गई हमारी कटिंग चाय और बनाना चिप्स। अच्छी है चाय, शक्कर थोड़ी ज्यादा है। अब विंडशील्ड थोड़ा क्लीन लग रहा है, ये अभी रात का समय होने वाला है, लाइट का और रिफ्रैक्शन होगा, हेडलाइट भी क्लीन कर देते हैं। एक चीज मुझे बढ़िया लगी यहाँ के वॉशरूम की, एकदम क्लीन नीट और ऊपर से वर्किंग शावर भी है इसमें, तो फ्रेश होना हो, नहाना धोना हो कभी मेरे जैसे के लिए, गोल्डन मंकी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के दिन का अपना ड्राइव डिस्टेंस 702 किलोमीटर हो चुका है और ड्राइव टाइम हो चुका है 10 आवर्स।
एवरेज स्पीड बता रहा है अपनी 70 किलोमीटर, वो अचीवेबल इसलिए है क्योंकि ये रोड बहुत खाली है, बाकी कहीं पे जाए तो इतने खाली रोड्स नहीं होते हैं। तो टी कॉफी का अपना जो प्रोग्राम था वो हो चुका है खत्म और अब फटाफट निकल चुके हैं यहाँ से। अब जा रहे हैं हम टूवर्ड्स चित्तौड़गढ़ यहाँ से बता रहा है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर अभी भी, 180 किलोमीटर यानी कम से कम 3 घंटे तो लगने चाहिए। डिनर का प्रोग्राम देखते हैं वहाँ पे करेंगे या और आगे जाके करेंगे, बट अभी के लिए तो रोड राजस्थान के भी बहुत ही सुपर है। ये देख लीजिए यहाँ पे भी बटरी स्मूथ रोड्स। ऐसे रोड हो तो एसयूवी हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, चलाने में भी भरपूर मजा आता है। खड्डे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ट्रैफिक नहीं, बहुत सुकून से चला सकते हैं, लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तक गाड़ी चला सकते हैं, इसीलिए मैं ये रोड प्रेफर करता हूँ ताकि स्ट्रेस फ्री चला सके और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। और ये जा रही है अपने कारवान की चेसी, इस पे बनेगा अपना कारवान। तो गाइस अभी बजे हैं 10:30 और डिनर के लिए हम एक रेस्टोरेंट में रुक गए ताकि कुकिंग का टाइम वेस्ट ना हो। बढ़िया था, फटाफट यही हो जाएगा तो अभी हमें घर आ ले जाना है। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। तो दोस्तों खाते पीते हंसते हंसाते गाना गाते आज का हमारा ये दिन तो ऐसे ही खत्म हो गया ड्राइव करते करते। और ये ही नहीं, आज का हमारा ड्राइव तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1040 किलोमीटर्स का ड्राइव था। और थके हारे हम पहुंच गए न्यारा पेट्रोल पंप पर, जो मेरा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है रात को हाईवे पे सोने के लिए। बहुत ही सेफ लोकेशन होता है, क्लीन वॉशरूम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक विंटर स्पीति एक्सपीडिशन में।